यहाँ पर जो मुझे जानकारी मिली है कि जो सौदान सिंह और मंगल पांडे, उन दोनों को कल ही शिमला जाने को कहा गया कि जो संभावित बीजेपी के बागी जो विधायक चुने जा सकते हैं उनसे आप संपर्क बना के रखिए, जैसे ही आंकड़ा होगा तो फिर सरकार बनाई जाएगी। ये नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है किसी मोबाइल के टायरों की हवा है। 32-33 और ये 3। बिल्कुल गुजरात के मांडवी से बीजेपी के अनिरुद्ध भाईलाल दवे आगे। गुजरात के मांडवी से बीजेपी के अनिरुद्ध भाईलाल दवे आगे। प्लीज मुझे बताइए, अगर ये जो 3 है, ये 3 भी क्या बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जैसा पहले भी कहा था ना कि जहां नई सरकार बनती वहां भी बनाने में माहिर है तो बना ही लेंगे। ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि रिवाज भी टूट रहा, जो ये लोग कह रहे थे रिवाज भी टूट रहा है, लेकिन एक जो रिवाज कायम है वो है कांग्रेस के हारने का। कांग्रेस की तो वाकई में गुजरात की जो नतीजे नहीं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अभी यहां से कही जा रही थी, कहा यह गया है, देखिए जयेश जी कह रहे हैं कि गुजरात में 3 रिकॉर्ड तीनों पार्टियां बना रही हैं। यहां पर जितने भी लोग हैं सबका रिएक्शन शॉक और सैडनेस के बीच का कुछ दिखाई दे रहा है। ये रिएक्शन शायद डिक्शनरी में भी डिस्क्राइब नहीं किया गया कांग्रेस को लेकर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही सर, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 146-23-9 तीनों ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, तीनों ने ही रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात ने ही रिकॉर्ड बनाया है, बीजेपी आई का रिकॉर्ड है, कांग्रेस लो का रिकॉर्ड है, और जो नई पार्टी आई है आप उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये भी एक रिकॉर्ड है। मोदी जी का ये गुजरात है, ये रिकॉर्ड बनाने के लिए ही है। अगर मोदी फैक्टर काम किया तो नीचे किस तरफ कौन सा वोटर चल दिया, जरा ये भी देखिए, अलग अलग जातीय समीकरण भी देखिए निशांत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हम आपको कलर्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी आपके लिए देखना जरूरी है, गुजरात में किसको कितनी सीटें, कोली फैक्टर, बीजेपी 18, कांग्रेस 1, आप 2, आपका पेनिट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर तेजी से, बड़ा तेजी से अगले वाले फैक्टर पे बात करते हैं। वो फैक्टर क्या है, गुजरात में किसको कितनी सीटें, मुस्लिम फैक्टर जो है, बीजेपी 14 मुस्लिम फैक्टर, कांग्रेस 6, आप